अभी बज रहे गाइस सुबह के 4:15 और हम जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो बाइक पे जा रहा हूँ मैं सुबह, और इनके घर पे रुका हुआ था तो अभी मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं। आज सोमवार है, सावन के तीसरे सोमवार में मैं जल चढ़ाने जा रहा हूँ बरेली में। हम जल चढ़ा के आ गए, देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, बाप रे इतनी सारी लाइन। और सुबह 4 बजे लगे थे लाइन में आके और अभी 5 बजने वाले। ये देखो हमारे टमाटर आए, हर हर महादेव। मेरा नाम अर्जुन है और मैं यूपी भाई से संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डबरू मेरे हाथ में देख सकते हैं और यहाँ पे अपनी साइकिल पूरी रेडी हो चुकी है। और मैं बरेली में रुका था, 2 दिन स्टे किया था मैंने भैया के घर पे। तो अभी मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और उस टाइम सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास थे तो मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया। पे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, अभी मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे सभी साथ में आए देख सकते हैं। हर हर महादेव। तो भैया के घर पे मैंने स्टे किया था और अभी साथ में आए यहाँ तक छोड़ने के लिए। बरेली से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे तक आए छोड़ने और अभी मैं जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचने वाले हैं और बाकी उड़ीसा की ट्रिप हो रही है हमारी है, तो बस एंड तक देखते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जितना हो सके ब्लॉग को शेयर करना। बरेली वाले भैया भी छोड़ के जा चुके हैं, सभी लोग आए थे छोड़ने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे 2 भाई लोग मिले तो अयोध्या के टाइम से फॉलो कर रखा है भाई ने। तो डबरू कितने मज़े से बैठा हुआ है और अभी मैं जा रहा था तो ये बरेली का टोल टैक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं पहुँच चुका हूँ मैं। और भैया जी मिले जो कि राम मंदिर जा रहा था इसी रास्ते से, तब भी मिले थे। हर हर महादेव। यहाँ पे मिले एक भैया जो कि पहले से जानते देख सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब प्रसाद बांट रहे थे तो यहाँ पे मैं खा रहा हूँ देख सकते हैं। और भैया सामने हर हर महादेव भैया जी। तो यहाँ पे सभी भैया मिले हैं डबरू से, देख सकते हैं यहाँ पे नाच रहे थे। लोग टाइम देख सकते हैं और मैं लंच कर रहा हूँ इस टाइम पे क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी, अभी भूख लगी तो लंच करने बैठा हूँ यहाँ पे एक पेड़ के नीचे। तो लंच करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी खाना खा के मैं चल पड़ा हूँ और डाक कवर जा रही है मेरे साथ साथ। और डाक कवर देख के ना मेरे अंदर अलग ही एक एनर्जी आ जाती है, तो मैं डाक कवर के साथ साथ चलूंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। पे भोले दौड़ रहे हैं देख सकते हैं, भोले जय भोले की, जय भोले की। देखो डाक कवर ऐसे जाती है, जय भोले की। देखो डाक कवर की पावर, पूरा जाम कर रखा है, चक्का जाम, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है।
रही अपनी साइकिल और आज हम स्टे करने वाले हैं यहाँ पे, तो राइस मिल है देख सकते हैं यहाँ पे, तो राइस मिल में रुकेंगे और पहुँच चुके, रात हो गई है, साइकिल पूरी रेडी है। रात मैंने स्टे यहाँ पे किया था, तो आज हमारी यात्रा का पांचवा दिन है और अभी मैं शाहजहाँपुर पहुँचूँगा आज, कहीं चलते हैं देखते हैं। कल तो परसों आया था यहीं पर, नाइट स्टे कर लिया था, तो ये राइस मिल है यहाँ पर स्टे किया था। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तो अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ और आज के ब्लॉग में दूसरा दिन है मेरा और भाई मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो भाई जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर पूजा करने, तो रास्ते में मिले मेरे को, साथ में चल रहे हम दोनों। हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखो डबरू के फैन मिले हैं जिन्होंने राम मंदिर के टाइम से मेरे को फॉलो करके रखा है। अभी हम शाहजहाँपुर के एक शिव मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं हनुमान धाम, देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। डबरू देखो आ चुका है अपना, बैठा पड़ा है देखो पानी में, कि पानी की बोतल से खेल रहा है। और यहाँ पे भाई लोग आए मिलने के लिए। कहाँ से भैया आप? शाहजहाँपुर से, चौड़ेरा गांव। शाहजहाँपुर से हैं तो मिलने के लिए आए थे, पहले राम मंदिर के टाइम मिले थे रास्ते में और अभी हनुमान धाम में आए मिलने के लिए। और इधर भैया जी, तो अच्छा तो आप यहीं से हैं, तो अभी भैया लेके आए मेरे को हनुमान धाम, तो आज मैं यहीं पे स्टे करने वाला हूँ। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर से मेरे साथ साथ आए और लेकर के आए। तो आज हम स्टे करेंगे हनुमान धाम में शाहजहाँपुर में, और बाकी डबरू अपना साइकिल पे है एकदम मस्त।